का देखिए, ये अभी सेलेक्ट हुआ है कश्मीर में, इसका पूरा बाजू ही नहीं है। एक बाजू से इतने लंबे छक्के मारता है कि आप इसको क्रिकेट देखेंगे आप खेलते हुए तो इतना अच्छा लगेगा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे। अच्छा, इससे पहले मैचेस खेले हैं? हाँ, बहुत सारे फिजिकली जो फिट है उनके साथ भी मैं फेस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में अपने जो हमारा गाँव है उसका ए टीम जो है उसके साथ में खेल रहा हूँ। मुझे बताएं, क्रिकेट का शौक आपको भी बचपन से ही था? बचपन से ही हम डूबे इसी में हैं, क्रिकेट के लिए मरेंगे, क्रिकेट के लिए जिएंगे। मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और मेरे साथ आप लोग यहाँ पर ये जो पीछे प्लेयर्स देख रहे हैं जो इस वक्त अपने पूरे इक्विपमेंट्स के साथ हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जो फिजिकल चैलेंज्ड जो है उनके ये प्लेयर्स हैं, क्रिकेट टीम के ये प्लेयर्स हैं जिनको के इंडिया के जोनल टूर्नामेंट में इनकी सिलेक्शन हुई है। और ये करीब आपको यहाँ पर इस टाइम में चार ही दिख रहे होंगे, बट ये पाँच लोग हैं। तो चलिए आज इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अयाज अहमद। तो अयाज जी कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो क्रिकेट का शौक पड़ गया फिर? बचपन से ही था, एक्चुअली नॉर्मल के साथ खेलना पड़ा रहता था। अच्छा। पहले अब आया डिसेबल क्रिकेट में। अच्छा। तो अब बहुत बेटर हो रहा है हमारे लिए, हम भी नॉर्थ जोन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा। तो वहाँ जाके बस अपनी परफॉर्मेंस बेटर देनी है। अच्छा, यानी कि इंडिया के जो नॉर्थ जोन के उसके टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन हुई है? जी 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 जी। अच्छा, तो अच्छा मुझे बताएं कि स्टार्टिंग से ही सोचा था क्रिकेट में? स्टार्ट एक्चुअली इस बचपन से ही एम था कि क्रिकेट में जाऊं। बाद में जब डिसेबल को एक नॉर्मल के साथ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है एक डिसेबल को नॉर्मल के साथ। फिर एक्चुअली डिसेबल का बोर्ड है PCCI। आप डिसेबल बोल रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि एक प्लेयर जो होता है वो तो एक अपने आप में ही एक पूरा होता है, फुलफिल्ड होता है। जी एक्चुअली मेहनत करना पड़ता है, अभी नहीं लग रहा है कि हम नॉर्मल से कम है, हमें लग रहा है अभी नॉर्मल से भी बढ़िया है हम, अभी तो फिर फुल फिट है। जब हम खेलने जाते हैं वहाँ भाई ऐसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल मैचेस होती है, जैसे हमारे इंडिया का मैचेस होती है वैसे ही हमारी होती है, वही रूल्स होती है, वही ग्राउंड होती है, वही फॉर्मेलिटी होती। अच्छा, है शुरुआती के दिनों में जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो कुछ परेशानियाँ आपको ऐसे आई, ऐसा कुछ डिफरेंस लगा आपको? जी जी डिफरेंस लगा है, क्योंकि हमारे कश्मीर में उधर टर्फ विकेट है ही नहीं, हमें मैट में खेलना पड़ता है। जब बाहर जाए खेलने के लिए तो टर्फ पे गए थे, पहले बहुत सीखना पड़ा था क्योंकि बहुत डिफरेंट होता है मैट क्रिकेट टर्फ क्रिकेट। जी यहाँ पर और भी हमारे जो है प्लेयर हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? यावर मुबारक, कश्मीर से। कश्मीर से ही है आप भी? अच्छा, तो जब आपने सुना कि भाई अब हम जोनल टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं हिंदुस्तान के, तो उस टाइम पे क्या लगा आपको, क्या रिएक्शन था? बहुत खुशी मिल रही है, उस टाइम भी बहुत खुश हो रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन तक भी जब ये खबर पहुँच गई तो वो भी बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि मेरा बचपन से ही ये शौक था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे। अच्छा, क्रिकेट में आप मतलब एज क्या खेलते हैं, मतलब एज आप बॉलिंग कराते हैं? ऑलराउंडर हूँ मैम, लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग। अच्छा, बैटिंग। यस। अच्छा, इससे पहले मैचेस खेले हैं? हाँ, बहुत सारे फिजिकली जो फिट है उनके साथ भी मैं फेस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में अपने जो हमारा गाँव है उसका ए टीम जो है उसके साथ में खेल रहा हूँ, ओपनिंग कर रहा हूँ उसमें। अच्छा। उसके उन फिजिकली जो फिट है उनके साथ भी मैंने फेस किया है, लेकिन मुझे आज कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब मुझे पहली बार एक्सीडेंट हुआ ना पहला, तो उस टाइम उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि आप क्रिकेट कैसे खेल पाऊंगा? पहले तो लगता था, लेकिन उसके बाद जब मैंने हार्डवर्क करनी शुरू की तो उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा। आज भी मैं बहुत ही अच्छा खेल रहा हूँ। अच्छा। तो आज कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा, अब आप मैच खेलने के लिए जा रहे हैं? हाँ, क्या है दिमाग में, क्या सोच रहे हैं? इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे तो कुछ अच्छा करके अपने 100% देने हैं, वहाँ पे वो ट्रॉफी लेके आएंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के लिए? हिंदुस्तान के लिए, हाँ। अच्छा, फिर आगे के प्लान्स क्या रहेंगे? आगे के प्लान यही कि आपने 100% देना पड़ेगा और अब इंडिया की टीम में जगह निकालनी पड़ेगी। वो तभी निकलती है जब कोई प्लेयर कुछ अच्छा करके दिखाता है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज आता है, तो उसी को आगे मौका देते। इसलिए हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम वहाँ पे अच्छे खेलेंगे और ट्रॉफी भी लेके आएंगे और इंडिया टीम में भी जगह निकालेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, जब मम्मी पापा को बताया आपने कि मैं सेलेक्ट हो गया जोनल टूर्नामेंट के लिए, क्या कहते हैं उस वक्त? जी उस वक्त तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, ये फख्र की बात है, ये ऐसा नहीं होता है। बहुत से लड़कों से पहले ट्रायल लेनी पड़ती है, उसमें निकल के एक जोनल अपने स्टेट से रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल की बात है। तब मम्मी पापा बहुत खुश हुए और उनकी दुआएं भी है बचपन से मेरे साथ, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा, आप क्रिकेट में मतलब बैटिंग करते हैं, बॉलिंग? एज ओपनर, विकेट कीपर कर रहा हूं। ओपनर? जी जी। अच्छा, फिर तो आपका बहुत बड़ा एक रोल रहता होगा, क्योंकि क्रिकेट में जो ओपनर होता है उसका एक बहुत अहम। एक्चुअली
एक्चुअली जब से मैं नदीम भाई से जुड़ा हूँ, जो हमारे जम्मू कश्मीर क्रिकेट का कैप्टन भी है, तो इसने मुझे कुछ कुछ दिक्कतें थी मेरी ओपनिंग बैटिंग में, तो उसने मुझे बैट में समझा के मेरे साथ टाइम गुजारा, तो आज मैं सब वो मेरे अंदर नहीं हो रहा है, आज तो बैटर ही बैटर होता है। अच्छा, मैच खेलने के लिए अब कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वाराणसी यूपी में। अच्छा जी, तो कितने मैचेस होंगे अब वहाँ? हमें 3 मैचेस होंगे, उसके बाद फाइनल वाइनल सेमी फाइनल इंशाल्लाह हम क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। इस बार तो इंडिया के लिए ले आएंगे कुछ। अच्छा, क्या नाम है आपका जी? जगमोहन सिंह। अच्छा जगमोहन जी, तो फिर आप जा रहे हैं? जी मैं जा रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं, मतलब इस टाइम पे मन में क्या ख्याल आ रहा है कि अब निकले हैं तो मैम जीत के आएंगे अपनी पूरी तैयारी है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप क्रिकेट में क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ मैम। ऑलराउंडर है आप? अच्छा, तो जब आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, उस समय सबसे पहले किसको बताया, घर वालों को बताया कि सबसे पहले, मतलब ये सोचा कि अब पहले कोच को बताता हूँ फिर घर वालों को पहले बताता हूँ? जी मैम, मैंने तो पहले घर वालों को बताया। अच्छा, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बोलते, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मतलब ठीक है, बोले कि अच्छी बात है, मतलब उनको लगता था अच्छा ठीक है, आज नहीं तो कल हमारा बच्चा हो ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कितनी उम्र से, कितने मतलब किस उम्र से आप खेल रहे हैं क्रिकेट? मैम काफी टाइम हो गया, कोई 10 साल हो गए हैं। अच्छा, पहले लोकल खेलते थे हम, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, तो हमें जम्मू में लाया नदीम सर ने। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि क्रिकेट हमारे लिए हमारी बस की बात नहीं है, या कुछ इस तरीके के ख्याल कभी मन में आए जब दूसरे प्लेयर्स को खेलते हुए देखा तो? नहीं मैम, मैं दूसरे को देख के खेलता था, कि सोचता कि वो ऐसे खेलते तो हम भी खेल सकते हैं ऐसा, तो ज़्यादा खेलूँगा आगे से, अपनी स्टेट के लिए खेलूँगा और अपने माता पिता के लिए खेलूँगा। यहाँ पर इनके जो टीम के जो कैप्टन हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, कैसा लग रहा है इस समय आपको? सबसे पहले तो मैडम जी आपका शुक्रिया स्टेट टाइम का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमसे, हम जो बेचारे फिजिकल चैलेंज क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, हमसे कोई मिलने भी नहीं चाहता है। बेसिकली जितने भी मीडिया वाले हैं, हमको ये समझते नहीं है कि ये भी क्रिकेट खेलते हैं। हम तो पूरी इंडिया में मैं कम से कम 25-26 स्टेटें खेल के आया हूँ। और ये जो आप टीम लेके जा रही हैं, पहली बार जा रही है? ये दूसरी बार जा रही है, इससे पहले भी हमारी सिलेक्शन हुई थी, उसमें हमारे 2 लड़के थे कश्मीर से ही, वो इंग्लैंड में खेल के आए थे। तो हम भी बड़ी मेहनत करते हैं, जितने भी लड़के हैं, और सारे फिजिकल चैलेंज आप देख रहे हैं इनको बेचारे, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है। तो ये लड़का देखिए, ये अभी सेलेक्ट हुआ है कश्मीर में, इसका पूरा बाजू ही नहीं है, एक बाजू से इतने लंबे छक्के मारता है कि आप इसको क्रिकेट देखेंगे आप खेलते हुए तो इतना अच्छा लगेगा। ये भी हमारे जगमोहन जी हैं, ये अयाज है, फिरदोस है किश्तवाड़ से, ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं क्रिकेट, ये तभी इनकी ये सिलेक्शन हुई है वहाँ। तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे नॉर्थ जोन का कैप्टन बनाया गया इस बार। अच्छा। मैं कम से कम 8 साल से जम्मू कश्मीर का कैप्टन हूँ। अच्छा। मैं इस टीम को चला रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 150 बच्चा है इस वक्त जो फिजिकल चैलेंज का हमारी टीम में आया है, तो काफ़ी इस बार उम्मीद थी आपको? मैम जी हमें 100% उम्मीद होती है कि हमारी सिलेक्शन होगी, क्यों कि हमने परफॉर्म किया है वहाँ जाके। आप कभी भी किसी भी लिस्ट में निकालें आप, तो मैंने कम से कम 2-3 बार मैन ऑफ का सीरीज लिए हैं, कोई कम से कम 20 या 30 मैन ऑफ के मैच लिए हैं, और ऊपर वाले की देन से हम तो कुछ नहीं है, तो काफ़ी बार रन किए हैं, हर बार जाके मैं ओपनिंग करता हूं टीम में। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्रिकेट का शौक आपको भी बचपन से ही? बचपन से ही हम डूबे इसी में हैं, क्रिकेट के लिए मरेंगे, क्रिकेट के लिए जिएंगे, और कुछ ना कुछ कर जाएंगे। यानी इसी को पैशन और इसी को प्रोफेशन बनाना है? बिल्कुल, पूरा प्रोफेशन बनाना है। और हम अपनी जो हमारी एसोसिएशन है, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आके हमें यहाँ से निकाला हैंडीकैप बच्चों को। और मैं हमारी PCCAI जो फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया की है, तो उसमें रवि सर हैं हमारे जो हेड हैं, और सुरेंद्र लोहिया जी हैं वो भी हेड हैं, और ख़ासकर मैं जम्मू से हमारे राजेश गिल साहब जो SSP हैं हमारे, राजेश गिल साहब, उनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया है, और वो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस हमारी एसोसिएशन के, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ खिलाने तक हमें बड़ा मेहनत की है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो इक्विपमेंट्स आप लेके जा रहे हैं, ये सब इक्विपमेंट्स आपने खुद मतलब लिए हैं कि आपको प्रोवाइडेड है? नहीं, ये प्रोवाइडेड है, पुलिस हमें काफ़ी हेल्प करती है, हमारे DIG साहब हैं, IG साहब हैं। अच्छा। वो हमें या टिकट का कुछ ना कुछ। आपका सारा खर्चा उन्होंने उठाया? सारा खर्चा उन्होंने उठाया है। अच्छा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से भी कि हमारी साइड देखें कुछ, अभी हमारी रणजी ट्रॉफी की टीम है, आप उनको पैसा देते हो एक मैच का 2-2.5 लाख रुपये उनको मिलता है, हमें 10-20 हज़ार रुपये मिल जाता, हम बच्चे भी कुछ ना कुछ, ये आने वाली जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, जहाँ मेरे साथ 14-15 साल के लड़के हैं जिनका एक एक टांग नहीं है, लेकिन इतना अच्छा खेलते हैं वो,
कि आप उनका क्रिकेट देखोगे जहाँ हम जिस लेवल पे हम खेलते हैं मैडम जी, इंटरनेशनल स्टेडियम होते हैं वो, और 90 मीटर की बाउंड्री होती है वहाँ, वहाँ हम छक्के मार के मैच जिताते हैं, वहाँ हम पूरी परफॉर्म करते हैं, तभी जाके जो हमारे जम्मू कश्मीर के लड़के हैं, चार लड़के सेलेक्ट हुए हैं, पाँच लड़के, उन्होंने कुछ हमारी साइड देखा ही होगा कि ये बच्चे खेलने वाले हैं जम्मू कश्मीर से, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें मौका दिया, और हम पूरी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे जेएनके के जितने भी लड़के जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई एक लड़का हमारा मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज तीन मैचों में जरूर आए। थैंक यू। तो आपने सुन लिया कि ये हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के फिजिकल चैलेंज के जो फिजिकल चैलेंज ये सारे बच्चे हैं, ये पांच बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के नॉर्थ जोन की टीम में, यानी कि अब आप इन्हें भी खेलते हुए देखेंगे, और आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से अगर आपकी दुआएं रहीं तो ये लोग आने वाले समय में इंडिया की टीम में भी सेलेक्ट होकर हमारे पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो इन्हें अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, इन्हें बेस्ट विशेज दीजिए, ताकि ये आने वाले समय में हिंदुस्तान का नाम ज़रूर रोशन करें।